आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। 29 सूत्रीय मांगों को लेकर पूर्व विधायक श्री समरीते का अनशन आज से शुरू। भारत में फ्लू प्लेग से 2 करोड़ लोगों की मौत हुई। हिरोशिमा नागासाकी में परमाणु बम हमले में 80,000 लोगों की मौत हुई। भोपाल गैस कांड में 8,000 लोगों की मौत तथा कोविड से पूरी दुनिया में 30,10,523 लोगों की मौत हुई है, जिसमें भारत 1,95,920 लोगों की मौत हुई। मध्य प्रदेश में अब तक 5,041 से अधिक लोगों की मौत 53 जिलों में हुई। मौत के आंकड़े भारत सरकार एवं राज्य सरकार छिपा रही है, जबकि वास्तविकता है पूरी दुनिया में 2 करोड़ से अधिक लोगों की कोविड से मौत हुई है। सारे दुनिया के देशों में नियंत्रण से बाहर कोविड का इलाज हो गया है। अफवाहों एवं मौत के भय से दुनिया की आबादी डरी हुई है। ऐसी स्थिति में मेरे द्वारा निम्न मांगों को लेकर 7 दिवसीय अनशन अपने निवास लांजी में ही प्रारंभ किया जा रहा है। MPCA 24 न्यूज एक्सप्रेस के लिए लांजी से रिपोर्टर शफीक खान के साथ कैमरामैन सुमित श्रीवास की रिपोर्ट। किन सूत्रों की मांगों को लेकर आपके द्वारा अनशन किया जा रहा है? देखिए, कोविड को लेकर है 29 सूत्री मांगे हमारी। सबसे पहले तो कोविड जो है WHO की गाइडलाइन पे पूरी दुनिया में कोविड पीड़ित पेशेंट का PM भी कराया गया। उससे पता कैसे लगा कि कोविड का इलाज क्या है, तो वायरस किन चीज़ों को नुकसान कर रहा है। तो WHO ने पूरी दुनिया के शासन तंत्र को घेर के रखा हुआ, चीन ने वायरस बनाया, चीन के ऊपर पूरी दुनिया का बैन लगना चाहिए। और कोविड जो है सरकारी तंत्र की लापरवाही से लोगों की मौत हो रही, करोड़ों की तादाद में लोग खत्म हो गए, सबको 50-50 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि भारत में कोविड 14 महीने में हम कोविड फ्री नहीं करा पाए, तो सेना की मदद से पूरे भारत में लोगों का बेहतर उपचार करना चाहिए, फ्री वैक्सीनेशन होना चाहिए, इलाज पूरा फ्री में होना चाहिए, पूरा टेस्ट पूरा फ्री में होना चाहिए, जनता पे किसी भी तरह का बोझ नहीं लगना चाहिए। दूसरा, 3 लाख करोड़ जो सरकार ने कोविड के लिए घोषित किया उसका भी कुछ पता नहीं है, तो मध्यम वर्ग के लोग घर में बैठे गए थे, गरीब लोग हैं, तो किसी को कोई फायदा नहीं हो रहा है। छात्रों का 2 साल से एजुकेशन बिल्कुल बर्बाद हो गया, छात्रों को जनरल प्रमोशन मिलना चाहिए, लोगों की व्यापारियों की दुकानें लॉकडाउन पड़ी है, उनके हम बिजली के बिल आ रहे हैं, सारे बिजली के बिल माफ़ होना चाहिए, व्यापारियों का, किसानों का जो कर्जा है, व्यापारियों का जो बैंक की EMI वो बिल्कुल माफ़ होना चाहिए। और मेरा कहने का मतलब है कि कोविड में सरकार ने जो निग्लिजेंसी की, जो लापरवाही की, उसकी बड़े लेवल पे गिरफ्तारी हो सकती है। 29 सूत्री मांगे उसमें सारी बातें हैं, जिन जनता की इतनी बातें हैं, इसको लेकर मैं आज सब बैठा। सर, इसमें मेन कोरोना को जो देखते हुए है, जो 50-50 लाख रुपए की आपने मुआवजा देने की बात कही है, इसके बारे में सर क्या है? देखिए, पूरे देश में आपने देखा होगा किसी भी राजनीतिक दल ने लोगों की मौतों को गंभीरता से नहीं लिया। कोरोना वॉरियर्स को लोगों ने बोला नहीं वो बड़ा अच्छा काम करे, भाई बड़ा अच्छा काम करे, लोगों की मौतें हो रही है। जो नागरिक वोट देके सरकार बना रहा है देश में, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना रहा है, उसकी मौत पे लोगों को कोई चिंता नहीं है। तो मेरा कहना, जिन भी नागरिकों की मौत हो रही है सरकार की लापरवाही से हो रही है, सबको 50-50 लाख रुपए उसको मिलना चाहिए, क्योंकि उनका घर परिवार पूरा परिवार तबाह हो जाता है, बच्चे त्राही हो रहे हैं, और ऐसी महामारी दुनिया में कभी देखने में नहीं आई, और सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी। मेरा कहना है लोगों को उसका कंपनसेशन मिलना चाहिए, सरकार अपनी गैर जिम्मेदारी से सरकार बच नहीं सकती, भाग नहीं सकती, और सभी राजनीतिक दलों को इस बात का समर्थन करना चाहिए।